वेरी फाइन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेट टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन चलो सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंने क्या बनाया नींबू पानी बना दिया लेमोनेड बना दिया ठीक है अब मुझे उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है क्या बढ़ाना है भाई कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो मैं उसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाऊँगी मैं वहाँ पर सॉल्यूट जो हमारा सॉल्यूट है सॉल्यूट यानी कि नींबू जो हमारा सॉल्यूट है उसकी अमाउंट बढ़ा दूँगी क्या बढ़ा दूँगी इसकी अमाउंट बढ़ा दूँगी तो यानी कि जो सॉल्यूशन हमारा है उसका क्या कर दिया मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया।, दिया है क्या बढ़ा दिया है कंसंट्रेशन ठीक है सबसे पहले हम अप, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन है क्या ठीक है सॉल्यूशन ठीक है सॉल्यूशन क्या है एक होमोजीनियस मिक्सचर है क्या है एक होमोजेनियस मिक्सचर एक होमोजीनियस मिक्सचर है क्या है एक होमोजीनियस मिक्सचर ठीक है जिसके कंसंट्रेशन को हम क्या कर सकते हैं एल्टर कर सकते हैं टू अ सर्टेन लिमिट सर्टेन लिमिट कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं उसका कंसंट्रेशन क्या कर सकते हैं एल्टर बदल सकते हैं तो ऐसा सॉल्यूशन ऐसा मिक्सचर जो क्या हो होमोजीनियस हो और जिसका कंसेंट्रेशन हम सर्टेन लिमिट तक चेंज कर सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन क्या बोलते हैं भाई सॉल्यूशन ठीक है अब सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूशन जो होता है उसके टू मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इज सॉल्यूट एंड द सेकेंड वन इज़ सॉल्वेंट ठीक है पहला जो होता है वो सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है मैंने अभी आपको लेमोनेट का एग्जाम्पल दिया तो लेमोनेट में लेमन इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो हम बोल सकते हैं सॉल्यूट वो कंटेंट है सॉल्यूशन का जो लेस अमाउंट में होता है या तो फिर जो सॉल्वेंट के ऊपर घुलता है और सॉल्वेंट वो कंटेंट होता है जिसके ऊपर सॉल्यूट घुलता है ठीक तो है तो बेसिक कॉन्सेप्ट है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सॉल्यूशन क्या है उसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं ठीक है थीके? अब बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है कंसेंट्रेशन निकालना है क्या निकालना है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मतलब कि कितना अमाउंट किसी सॉल्यू कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व है क्या बोला मैंने दोबारा सुनिए कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का किसी गिवन सॉल्यूशन में तो उसे हम क्या बोलते हैं कंसेंट्रेशन क्या बोलते हैं कंसेंट्रेशन बोलते हैं ठीक है, है. ठीके? तो कंसंट्रेशन को बिल्कुल हम डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ठीक है कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन किसी सॉल्यूशन के गिवन अमाउंट में हमारा कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो जाएगा ठीक है अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है हम किस तरीके से कैलकुलेट करें तो देर आर सेवरल मेथड बहुत मेथड है कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कंसंट्रेशन कैसे परसेंटेज वेट बाय वेट सेकंड वन इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड द परसेंटेज एंड फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन िटी एंड द लास्ट वन इज मुलेरिटी तो इस तरीके से हम क्या करेंगे किसी सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन कैलकुलेट करेंगे बाय दिस टेक्निक्स ठीक है आप फिलहाल इसे नोट कीजिए इसके आगे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे ठीक है आप देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो हमारे पास है वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट दैट इज परसेंटेज वेट बाई वेट ठीक है परसेंटेज परसेंटेज वेट 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 अब देखो बच्चों स्कूल में हमारे जैसे एग्जाम्स हो तो एग्जाम में हमारा टोटल स्कोर टोटल स्कोर मेरा था थ्री हंड्रेड आउट ऑफ फाइव हंड्रेड तो इस तरीके से हम क्या निकाल देते हैं अपनी परसेंटेज निकाल लेते हैं यानी कि सिक्सटी परसेंट ये क्या हो गया मेरा कंसंट्रेशन हो गया क्या हो गया ये मेरा कंसंट्रेशन हो गया किस तरीके से मेरा कंसंट्रेशन क्या था एग्ज़ाम में सिक्सटी परसेंट कंसेंट्रेशन मेरा क्या था एग्जाम में था उसी तरीके से हम परसेंटेज वेट बाई वेट निकालेंगे चलो भाई एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं मेरे पास जैसे क्या था सपोज मेरे पास टू ग्राम्स ऑफ शुगर डिजोल्व इन डिजॉल्व इन फोर ग्राम्स ऑफ वाटर फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अब मुझे क्या निकालना है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है अगर टू ग्राम्स शुगर मिली है किसमें वाटर में तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कंटेंट ए है और कंटेंट बी है मिला के क्या बन जाएगा हमारा ए बी कंटेंट बन जाएगा पूरा सॉल्यूशन फर्स्ट वन इज़ शुगर एंड द सेकेंड वन इज वॉटर मिला कर क्या बन जाता है शुगर सॉल्यूशन बन जाता है ठीक है अब हम देखेंगे यहाँ पर ये यह कितना है टू ग्राम्स है और वाटर कितना है फोर ग्राम्स है मिला के कितना हो जाएगा सिक्स ग्राम्स हो जाएगा ठीक है अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का क्या निकालना है कंसंट्रेशन निकालना है कंसनट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा भाई परसेंटेज वेट बाई का वेट बाई वेट का परसेंटेज वेट बाई वेट अगर मुझे निकालना है तो ऊपर क्या रखूँगी मैं वेट वेट ऑफ सॉल्यूट अप ऑन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड ठीक है परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई हंड्रेड हो जाएगा अब अगर हम देखें तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है वेट ऑफ सॉल्यूट इज टू अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का वेट कितना है भाई सिक्स ग्राम्स मल्टीप्लाई हंड्रेड ठीक है टू वन इज़ टू टू थ्री इज़ सिक्स अब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा थ्री थ्री इज़ नाइन थ्री थ्री नाइन पॉइंट थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट क्या आ गया भाई इसका कंसेंट्रेशन आ गया किसका का कंसनट्रेशन आ गया है इज़ ऑफ शुगर ठीक है इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आप इसे फ़िलहाल नोट कीजिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और इसके अगले वाला भी मैं यहीं पे बता देती हूँ परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम तो मैं इसको मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देती हूँ न्यूमेरिकल्स एज़ पर योर चॉइस आप कर सकते हैं एन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं या तो फिर कोई भी रिफ्रेशर प्रेफर कर सकते हैं तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड और सेम फॉर्मूला फॉर्म्यूल में कुछ अलग नहीं है मास रखना है ऊपर नीचे वॉल्यूम रखना है ठीक है तो परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई हंड्रेड तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन कॉम्पोनेंट अब बच्चों आपने ये सब देखा ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था ये आप पहले भी इससे इस, इस चीज़ से क्लास नाइन्थ में डील कर चुके हो है ना ये आपने पहले भी पढ़ाया कुछ भी नया नहीं था लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ डैट इज मोल मोल कंसेप्ट से ही रिलेटेड है पहले तो मोल कंसेप्ट आपको बता रही है थोड़ी सी मोल कंसेप्ट वैसे पूरा वीडियो डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाऊंगी मैं मोल कंसेप्ट से बस आपको बता रही हूँ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ये बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द मोल फ्रैक्शन ठीक है अब देखो हम स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन होता क्या है मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है सपोज वी हैव टू कॉम्पोनेंट्स ए एंड द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज बी यहाँ पर हमारे पास इसका जो मास था वो एम था क्या था एम था और इसका मास क्या था एन था नहीं इसको क्यों रख लेते हैं चलो ठीक है ये तो क्या था हमारे पास गिवन मास था क्या था गिवन मास और मेरे पास जो मोलर मास इनका अगर मुझे पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट मुझे दिया गया हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कुछ भी दिया हो तो उसका मास मुझे जैसे दे रखा है मान लेते हैं लेट इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर एस मान लेते हैं और इसको टी मान लेते हैं तो देखो हमारे पास मोल्स क्या आ जाएंगे भाई इसके गिवन मास अपॉन मोलर मास इसके मोल्स आ जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास अब इन मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं एन से डिनोट कर सकते हैं किससे डिनोट कर सकते हैं एन से तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए और इसको किससे डिनोट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ठीक है इतना समझ में आया ये तो बेसिक नॉलेज है मोल्स किस तरीके से कैलकुलेट करना है अब बात आई मोल फ्रैक्शन की किसकी बात आई मोल फ्रैक्शन की अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका ए का ए का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नाम से ही पता चल रहा है फ्रैक्शन निकालना है यानी कि पूरे सॉल्यूशन के मोल्स में ए के कितने मोल्स है वो क्या आ जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो जाएगा अब हम मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन कैसा जाएगा जीटा ए दिस इज़ डिनोटेड बाय जीटा इसको एक्स मत पढ़ लेना आप जीटा ए तो कैसा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टोटल मोल्स कितने हैं एन ए प्लस एन बी ठीक है तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सिमिलरली अगर मुझे जीटा टा बी निकालना है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ठीक है इतना आप समझ गए होंगे अच्छा मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछता है मोल फ्रैक्शन की ऐसा यूनिट क्या होती है ऐसा यूनिट क्या होती है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर भी हमारे पास क्या है मोल्स है और नीचे भी मोल्स हैं तो इसकी ऐसा यूनिट होगी नो नो ऐसा यूनिट यहाँ पर इसकी ऐसा यूनिट नहीं होने वाली ठीक है इसकी ऐसा यूनिट नहीं होगी अब बच्चों ध्यान देने वाली बात ध्यान देने वाली बात आप एक चीज़ सीखिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीटा ए प्लस जीटा बी मिला के कितना हो जाता है वन इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन सपोज तो मैं क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर मान लो क्वेश्चन दे दिया जीटा ए इक्वल्स टू फोर फाइंड जीटा बी चलो मान लेते हैं ज़ीरो पॉइंट वन है, है यहाँ पर क्या मान लेते हैं ज़ीरो पॉइंट वन मान लेते हैं क्योंकि फ़ोर तो रख ही नहीं सकते ना बाई मिस्टेक मुझसे हो गया फ़ोर तो रख ही नहीं सकते अगर मैंने इसको फोर रख दिया तो सम वन कैसे आएगा भाई ऑलवेज़ लेस देन इनका सम ऑलवेज इक्वल्स टू वन आएगा ठीक है ऑलवेज इक्वल्स टू वन आएगा यानी कि ये अकेले इंडिविजुअली अगर हम लें इन कॉम्पोनेंट को तो लेस देन वन ही आएंगे ठीक है अब हमें क्या निकालना है क्या निकालना है जीटा बी निकालना है जीटा बी कैसे निकालेंगे तो हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल्स टू वन जीटा ए जीरो पॉइंट वन तो जीटा बी हमारा यहाँ से निकल जाएगा सो so, जीटा बी इक्वल्स टू वन माइनस जीरो पॉइंट वन हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट नाइन हमारे पास क्या आ जाएगा जीटा बी और इट हैव नो ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट तो बनता ही नहीं है यहाँ पर ऐसा SI यूनिट कैसे बनेगा क्योंकि क्यों नहीं बनेगा यहाँ पर क्योंकि दिस इज़ अ मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती ठीक है अच्छा इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं यहाँ पर फिर हम अगला लेक्चर या तो फिर इसी लेक्चर में अगर एडजस्ट हो जाए तो मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगी ठीक है अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई अगला कॉन्सेप्ट क्या है अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहाँ पर मोलैरिटी 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 क्या है भाई मोलैरिटी भी एक तरह का मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो निकाल वो कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कि कंसेंट्रेशन अगर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना हो तो मोलैरिटी को हम प्रेफर कर सकते हैं ठीक है तो मोलैरिटी का पहले बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं मोलैरिटी होता क्या है मोलैरिटी मोलैरिटी तो मोलैरिटी जो है हमारे पास वो क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ठीक है सॉल्यूट के मोल्स हमें रखने होंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है ठीक है तो ये क्या निकल जाएगा हमारा मोलैरिटी क्या निकल जाएगा मोलरिटी अब बात करें इसकी एस SI यूनिट की एस आई यूनिट की बात करें किसकी बात करें एस SI यूनिट की तो ऊपर हमारे पास क्या है मोल्स है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही रखेंगे किस में रखेंगे लीटर में तो मोल्स पर लीटर क्या हो गई इसकी ऐसा si यूनिट हो गई क्या हो गई बच्चों इसकी ऐसा si यूनिट हो गई और कैपिटल एम से हम इसको डिनोट कर सकते हैं किससे डिनोट कर सकते हैं कैपिटल एम से हम इसको डिनोट कर सकते हैं मोलैरिटी को ठीक है अगर इफ़ वॉल्यूम इज़ नॉट इन लीटर इफ़ वॉल्यूम इज़ इन लीटर ज़ नॉट इन लीटर नॉट इन लीटर वॉल्यूम हमारा लीटर में नहीं है वॉलीम लीटर में नहीं है आप क्या करोगे बच्चों तो ऑफकोर्स वहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम किस में दिया होगा एम एल में दिया होगा या तो फिर किस में दिया होगा सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा क्या दिया होगा एम एल में दिया होगा या तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा तो इन सच केस ऐसे केस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई ये जो हमारा फॉर्मूला ऊपर लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर था अगर ये हमें किस में दिया है मिलीलीटर में दिया है तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड ऑलवेज रिमेंबर ये हमें किस में आना चाहिए लीटर में जाना चाहिए तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई थाउजेंड कर देंगे तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है अब देखो इस ना मोलैरिटी वाली कॉन्सेप्ट के साथ काफ़ी दिक्कत है दिक्कत क्या है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है क्या करता है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ये जो कॉन्सेप्ट है किस पे डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है भैया टेम्परेचर पर डिपेंड करता है अब देखो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा हाँ तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम <coughs> कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है अब देखो वॉल्यूम जो होता है हमारा क्या होता है वॉल्यूम जो होता है ठीक है वॉल्यूम अगर देखो अगर मैं किसी भी एक ही मेरे पास बर्तन ले लो ये बर्तन ले लिया मैंने इसके अंदर बहुत गैसेस हैं रखी हुई ठीक है मैंने गैसेस कोई भी सॉल्यूशन रखो ऐसे भी सॉल्यूशन रख लो गैस सॉल्यूशन रखो आप लिक्विड सॉल्यूशन रखो किसी तरीके से भी रखो गैस फॉर्म में रखो लिक्विड फॉर्म में रखो कुछ भी रखो बर्तन के अंदर मतलब मैंने मान लिया एक सॉल्यूशन है वॉट इज इट सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है भाई सॉल्यूशन है ठीक है अगर मैंने मान लिया मैंने इसको हीटअप कर दिया अब मैंने नीचे से इसको आग दे दी भाई दिस इज़ हीट मैंने इसको हीट दे दी तो हीट देने पर क्या हो जाएगा हीट देने से क्या हो जाएगा इसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इधर उधर भागना शुरू कर देंगे कोई इधर कोई इधर कोई इधर अब ये भागना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बढ़ गई है किसकी मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूल्स की क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली क्या इफेक्ट हो जाएगा हमारा वॉल्यूम इफेक्ट हो जाएगा क्या इफेक्ट हो जाएगा वॉल्यूम इफेक्ट हो जाएगा अब वॉल्यूम हमारा इफ़ेक्ट हो जाएगा यानी कि अगर इनकेस वॉल्यूम यहाँ पर घट रहा है तो क्या हो जाएगा अगर वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी हमारी घट जाएगी तो यानी कि ये जो हमारा मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है जो मोलैरिटी अगर हम एक्सपेरिमेंटली अगर हम करें तो अगर किसी सॉल्यूशन के हमने मोलैरिटी डिफरेंट टेम्परेचर्स में निकालते हैं तो ये वेरी करेगी क्या करेगी वेरी करेगी तो इसीलिए वी डू नॉट प्रीफर वी डू नॉट प्रीफर मोलैरिटी मोलैरिटी फॉर कंसनट्रेशन ऑफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कंसनट्रेशन निकालने के लिए इसी कारण इसी कारण हम क्या नहीं करते इस वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते नहीं करते हम इसको प्रेफर ठीक है इतना आपको समझ में आ गया चलो एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर है आपका मोलैरिटी से रिलेटेड अब आपने जनरली देखा होगा ठीक है आप जनरली आपने जनरली एक चीज़ नोटिस करी होगी मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ नोटिस की होगी देखो घर में अक्सर क्या होता है मान लिया मैंने घर में क्या बना दी मैगी बना दी मैगी बनाई मैंने तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई थी क्या बनाई थी अपने अकॉर्डिंग बनाई थी दस वाला पैकेट मैगी का बनाया अब मैं अपने अकॉर्डिंग बनाया मैंने इस तरीके से बनाया वो पैकेट कि हाँ सिर्फ मैं ही मैं ही खा रही हूँ तो मैंने थोड़ी अमाउंट में बनाया और टेस्टी फूड बनाया कैसे बनाया थोड़ी अमाउंट बनाया और टेस्टी बनाया ठीक है उसमें मतलब मैंने इतना सॉल्यूशन मैंने इतना वाटर का कंटेंट नहीं रखा था ये हो गई मेरी मैगी ठीक है ये क्या हो गई मैगी मेरी ठीक है और ये मेरा पानी का कंटेंट था यहाँ पर इस पर ठीक है और मेरी टोटल पूरी क्या बन गई मैगी की चलो यहाँ पर नूडल्स लिख लेता है ना मैगी तो खैर वो बाद में बन के हो जाएगी नूडल्स थे और ये यहाँ पर मेरी मैगी बन गई ठीक है नूडल्स मेरे पास चलो मान लेते हैं नूडल्स कितने हैं दस ग्राम ही नूडल्स मेरे पास थे पानी मैंने उस तो टाइम कितना मिलाया था मैंने दस ग्राम ही पानी मिलाया था ठीक है चलो मान लिया ये तो मैंने सिर्फ अपने के लिए बनाया था ठीक है अपने आप के लिए बनाया था अब क्या हुआ मेरा दोस्त भी वहाँ पर आ गया मेरे दो दोस्त और वहाँ पर आ गए उन्होंने बोला कि हमें भी मैगी खानी है अब मैं नहीं अफोर्ड कर सकती मैं और ज़्यादा नूडल्स उनके लिए ले लेकर आऊँ तो मैंने क्या कर दिया इसी में ये दस ग्राम मैगी में क्या कर दिया ट्वेंटी ग्राम पानी डाल दिया ट्वेंटी ग्राम पानी मैंने डाल दिया अब क्या हुआ स्वाद तो गड़बड़ हो ही जाएगा क्या हो जाएगा स्वाद गड़बड़ हो जाएगा भाई पूरा है ना वॉल्यूम बढ़ जाएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा वही तो मेरा मेन मकसद था वॉल्यूम बढ़ गया ना तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ आप देखिए मान लिए ये बर्तन मेरे पास था ये इनिशियल कंसनट्रेशन की बात कर रही हूँ मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूँ ये मेरी मैगी हो गई इसी पर और क्या हो गया पानी हो गया ठीक है इस टाइम पे जो मेरी मैगी की मोलैरिटी थी वो एम वन थी क्या थी एम वन थी और वॉल्यूम <coughs> वॉल्यूम अगर हम देखें वो क्या था वी वन था ठीक है अब आप देखिए <coughs> <coughs> अब आप देखिए यहाँ पर अब मैंने क्या कर दिया इसकी फ़ाइनल स्टेज कैसे बना दी मैंने मेरे दो दोस्त आने के बाद उन्होंने इस मैगी की फ़ाइनल स्टेज का क्या कर दिया मोलैरिटी अब आप एक चीज़ देखिए वहाँ पर क्या हुआ एक चीज़ नोटिस करें क्या मैगी नूडल्स बढ़े मैगी के नूडल्स बढ़े नहीं मैगी के नूडल्स मान लिए उसके एन मोल्स थे एन मोल्स थे किसके मैगी नूडल्स के किसके मैगी नूडल्स के ठीक है तो क्या हुआ मोल्स जो थे किसके नूडल्स के वो तो एन ही थे अब भी यहाँ पर क्या होंगे नूडल्स के मोल्स क्या रहेंगे उतने ही रहेंगे भाई ठीक है तो यानी कि मोलैरिटी पे कोई देखो मोलैरिटी अब मेरी एम टू हो जाएगी क्योंकि नया कंसंट्रेशन है ना भाई नया कंसनट्रेशन आ जाएगा किसका पानी का नया कंसनट्रेशन हो गया है ना तो वॉल्यूम जो थी मेरे पास पहले वी वन थी और मैंने कितना ऐड करा दस ग्राम और ऐड कर दिया तो पुराने वॉल्यूम के साथ पुराने वॉल्यूम के साथ नया वॉल्यूम मैंने ऐड कर दिया क्या कर दिया नया वॉल्यूम मैंने ऐड कर दिया अब क्या है यहाँ पर जब यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज नहीं हुए हैं क्या चेंज नहीं हुआ है भाई नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज नहीं हुए हैं तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको मैं थोड़ी मिठा देती हूँ यहाँ पर अब आप समझिए यहाँ पर ठीक है इनिशियल स्टेज एंड दिस इज़ फाइनल स्टेज मोल्स उतने के उतने ही हैं मैगी के ठीक है मैगी के, मैगी के मोल्स मान लेते हैं एन यहाँ पर थे यहाँ पर भी एन ही मोलैरिटी जो है एम वन थी यहाँ पर यहाँ पर कितनी हो गई थी एम टू वॉल्यूम कितना था वी वन था और इसके साथ मैंने थोड़ी और पानी मिला दिया था ताकि मेरे दोस्त वहाँ पर उस चीज़ को खा सके है ना मैगी को खा सके नहीं तो कम पड़ जाएगी मैगी वहाँ पर अब देखिए आप मोल्स तो सेम थे ना इनिशियल कंडीशन में जो मोल्स थे वो फाइनल कंडीशन वाली मोल्स के बराबर थे है ना मैगी उतनी की उतनी है पानी मिला एक्स्ट्रा अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था मोलैरिटी का मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ओके? अब बच्चों अगर हम क्या कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स यहां से कैलकुलेट करें तो क्या जाएगा मोलैरिटी क्या जाएगा मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम तो इस केस में भी ऐसी होगा मोलैरिटी यानी कि एम वन मल्टीप्लाई वॉल्यूम और यहाँ पर भी ऐसी हो जाएगा एम टू मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितनी हो गई थी हमारी वी वन प्लस वी ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं एम वन वी वन इसको क्या लिख सकते हैं एम टू वी टू तो ये हमारा फॉर्मूला नया कुछ बन गया है इस फॉर्मूले में क्या बताया गया है कि इफ़ेक्ट ऑन इफेक्ट ऑन मोलैरिटी मोलैरिटी में क्या इफेक्ट पड़ जाता है आफ्टर डायल्यूशन आफ्टर डायल्यूशन मोलैरिटी का क्या होता है ठीक है तो ये फार्मूला आप बिल्कुल ध्यान रखिए न्यूमेरिकल जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसको हम यूज़ करेंगे बोथ द फॉर्मूलाज ऐसे नहीं आपने लास्ट वाला लर्न कर दिया बोथ द फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर मैं एक बार इसको साफ साफ लिख लेती हूँ तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू तो आप इस फॉर्मूला को रिमाइंड कीजिए ठीक है ध्यान रखिए क्वेश्चन के वक्त हम इसको यूज करेंगे ठीक है एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है वो है मोलालिटी का मोलालिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हम कैसे निकालते हैं मोलैलिटी को गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ठीक है इसका फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी का गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कुछ फर्क नहीं है फर्क कहां पर पड़ा है सिर्फ यहां पर फर्क पड़ा है अगर जो हमने हमने मोलैरिटी कैलकुलेट किया था वहाँ पर क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है अब अगर मैं इसके ऐसा SI यूनिट निकालू क्या निकालू इसके ऐसाई SI यूनिट तो ऊपर मोल्स है और नीचे हमारे पास क्या रहता है नीचे हमारे पास रहता है मास रहता है तो वो हमेशा के जी में चाहिए मोल्स पर के जी किस में हो जाएगा मोल्स पर के जी में हो जाएगा ठीक है अगर एक बात ध्यान दीजिए अगर मेरे पास किलोग्राम में ना होकर जो मास है वो ग्राम्स में है तो आप क्या कर सकते हैं आपके पास एक चॉइस है आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड से ये जो फार्मूला है इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से जो आज मैंने आपको बताया वो था कि किस तरीके से हम कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे तो मैंने पांच छह मेथड आपके सामने रखे हैं फ़र्स्ट वन इज़ परसेंटेज वेट बाय वेट सेकंड वन इज़ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम थर्ड वन इज़ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम